और बस हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती है। देवियों तथा सज्जनों, नित नए आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा और स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है। बीएसएफ ध्वज के साय में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी और पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के भाई, विजयी मुद्रा विहंगम छवि रोमांचित करने वाला दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों की चतुरंगिनी सेना किसी विजय अभियान पर निकली हो। और नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर ईशा त्यागी। सभी हुए कंधे चौड़ा, सीना और एक साथ उठते अनुशासित कर्म हमें आश्वस्त करते हैं कि ये वही जाबाज बैरी है जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हम में जंजीर पिघल जाए। इनका आत्मविश्वास हमें बता रहा है कि जब तक ये सजग है सरहदों पर देश सुरक्षित है इनके मजबूत हाथों में। परेड के इस कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती सबसे आगे परेड के कमांडर श्री अश्विनी मैथिल कमांडर और उनके पीछे परेड वाइसिस श्री प्रवीण कुमार द्वितीय कमांडाधिकारी वे झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। सबसे पहला दस्ता महिला कंटिजेंट का जिसका नेतृत्व कर रही है सरिता खेचड़ असिस्टेंट कमांडर। उनके ठीक पीछे त्रिपुरा प्रांतीय का कंटिजेंट कमांड संभाली है श्री विक्रम सिंह शेखावत डिप्टी कमांडर। जोश उत्साह उमंग से आगे बढ़ता मेघालय प्रांतीय कंटिजेंट कमांडर है श्री राम किशोर मीना असिस्टेंट कमांडर। देवियों तथा सज्जनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर उसे सम्मान प्रदान करें। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ ग्वाजी फ्रंटियर कंटिजेंट कमांडर है श्री जगदीश राठौर असिस्टेंट कमांडर। और अब मिजोरम एवं पछाड़ फ्रंटियर तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर कमान संभाली है श्री राजेश कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडर। उत्साह के साथ आगे बढ़ता साउथ बंगाल फ्रंटियर कंटिजेंट कमांडर है श्री प्रीतिश सिहाग असिस्टेंट कमांडर। और अब आगे खड़े हो जाएं, हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। सातवें नंबर पर अग्रसर नॉर्थ बंगाल प्रांतीय का कंटिजेंट कमान संभाली है श्री अर्पित चौधरी असिस्टेंट कमांडर। निशान टोली के ठीक पीछे आप देख सकते हैं नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर कंटिजेंट और उसके पीछे है गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट। कमांडर है श्री बलवान खरड़िया असिस्टेंट कमांडर। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ राजस्थान फ्रंटियर कंटिजेंट कमांडर है श्री नरेश चौधरी असिस्टेंट कमांडर। दसवें नंबर पर पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसके कमांडर है श्री कृष्ण कुमार असिस्टेंट कमांडर। और आगे बढ़ता जम्मू फ्रंटियर का कंटिजेंट कंपनी कमांडर श्री पंकज कुमार राणा असिस्टेंट कमांडर। बारहवें नंबर पर कश्मीर फ्रंटियर का कंटिजेंट कमान संभाली है श्री रविंद्र सिंह चौहान असिस्टेंट कमांडर। खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं श्री पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी श्री नवराज सिंह धर्मचक्र कमांडर जिन्होंने 7 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है जबकि विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं विजेता पदक से अलंकृत अधिकारी। और इनके ठीक पीछे कम्युनिकेशन कंटिजेंट गर्व से आगे बढ़ता कमान संभाली है श्री के शर्मा डिप्टी कमांडर। कैमरा युक्त ड्रोन रडार सिस्टम तथा युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रयोग आने वाले मोड स्कोर और अनेक अत्याधुनिक उपकरण तथा सर्विलेंस इक्विपमेंट और मॉडर्न सेंसर से सुसज्ज आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिजेंट। और यह है बल के आर्टिलरी पावर को दर्शाती आर्टिलरी कंटिजेंट कमान संभाले श्री अशोक कुमार डिप्टी कमांडर। हर हाल में दुश्मन को निस्तराबूत करने वाली 105mm लाइट फील्ड गन्स फायरिंग रेंज यानी 17.2 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। और अब पंजाब सीमा की पेट्रोलिंग में प्रहरी का सच्चा साथी अश इस दस्ते की कमान संभाली है डॉक्टर नीरज वर्मा डिप्टी कमांडर वेटरनरी ने।
और देवियों तथा सज्जनों, इन घुड़सवारों में हम आपको बताना चाहेंगे कि सीमा सुरक्षा बल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक महिला घुड़सवार सब इंस्पेक्टर वंदना शामिल है। और अब सबसे ऊंचा, सबसे संजीदा कैमल कंटिंजेंट व कैमल माउंटेड बैंड संयुक्त रूप से आज की परेड में आगे बढ़ता कैमल कंटिंजेंट का कैमल माउंटेड बैंड शामिल है। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री मनोहर सिंह टी जी, डिप्टी कमांडेंट ने, जो इस समय अपने रूप से सम्राट पर सवार है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला सीमा सुरक्षा बल का कैमल